हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंशी कहती हूँ। अभी होली आ रही है, होली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ रबड़ी मालपुआ की। तो चलिए रबड़ी मालपुआ बनाते हैं। फ्रेंड्स, रबड़ी मालपुआ बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, ये मैंने दूध लिया है पुआ को घोल तैयार करने के लिए, एक बनाना लिया है, ये मैंने मैदा लिया है, इस कप से 1.5 कप मैदा है और 1/2 कप सूजी लिया है मैंने, इसी कप से 3/4 कप मैंने चीनी भी लिया है, और ड्राई फ्रूट जो भी घर में अवेलेबल हो, ड्राई फ्रूट है, ये काजू बादाम और ये नारियल गोला को मैंने कट किया इस तरह से, ये इलायची पाउडर और ये सौंफ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, केला को छिलकर अच्छे से मैश कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने बनाना को मैश कर लिया है, अब ये मैदे में मैं इसे डाल लेती रख लेती हूँ। मैंने बनाना को रख लिया है, ये ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करती हूँ, शुगर, सूजी और मिल्क डालूँगी, और जो और मैं पानी भी ऐड करूँगी। इसे अच्छे से गाढ़ा सा घोल हम तैयार कर लेंगे, इसमें थोड़ा पानी भी चाहिए। एक पुआ का गाढ़ा घोल बनता है इसका बैटर, उसी तरह से हमें तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैटर रहेगा, इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गया, अब हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए सूजी भी अच्छे से हो गया है, और मैं ये ड्राई फ्रूट जो भी घर में है वो ड्राई फ्रूट लीजिए, और रबड़ी बनाकर मैंने रखा है पहले से। अब भी 1 लीटर दूध का मैंने रबड़ी बनाया है, और तेल भी गर्म हो चुका है, देखते हैं थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर डालकर, हाँ तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ इसे। मीडियम फ्लेम पर हम पुए को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पुआ अच्छे से फूल रहा है मेरा, ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे तल लेते हैं। इसी तरह से सारे पुआ को हम बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस कलर में होना चाहिए, दोनों तरफ से हम इसे पका लेते हैं। अब इसे निकाल रही हूँ मैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने पुआ बना लिया है, अब मैं इस पर रबड़ी अप्लाई करूँगी। देखिए ये जो पुआ है, मैं इसे बीच से खोलूँगी, ये जो है देखिए इस तरह से हम खोल लेंगे, जितनी इस तरह से खोल लेंगे, जो भी हमारे पास पुआ है उसको खोल लेते हैं, और इसमें हम रबड़ी रखेंगे। देखिए ये रबड़ी है, थोड़ा मैंने फ्रिज में रख दिया था, सो ठंडा हो गया है, अब इसके अंदर हम ये रबड़ी रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हम रबड़ी रखेंगे, और ड्राई फ्रूट जो आपके पास घर में ड्राई फ्रूट हो उसे गार्निश करें इस तरह से, थोड़ा पिस्ता इस तरह से अपनी पूरे पुआ को रबड़ी लगा लीजिए, इस तरह से कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, मेरा रबड़ी मालपुआ बनकर तैयार है, और कितना यम्मी दिख रहा है, और आप ज़रूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। बनाइए अपने घर में, अपने बच्चों परिवार को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही इजी मेथड है। और पूरा वीडियो देखिए, आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।